हेलो एवरीवन वेलकम टू जेनीट एजुकेशन माई नेम इज प्रतीक्षा ताम्रकर और आज हम कर रहे हैं क्लास टेन्थ साइंस चैप्टर टू एसिड्स बेस एंड सोल्ट तो इसके हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था एसिड बेस वो हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया था उसके प्रॉपर्टीज भी हमने देख लिया था इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन और एसिड एंड एसिड एंड बेस वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका था तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं इंडिकेटर्स तो ये जो एसिड और बेस होते हैं तो जब आप इनके सोल्यूशन देखेंगे एसिड सॉल्यूशन और बेस सॉल्यूशंस तो दोनों ही आपको एकदम सेम दिखेंगे दोनों ही कलरलेस हो सकते हैं या सेम कलर के कलरलेस ही मिलेंगे आपको जनरली कलरलेस ही होते हैं तो दोनों ही कलरलेस होते हैं तो अब आप इससे पहचानेंगे कैसे कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है तो अब हमें कुछ ऐसे सब्सटेंस की जरूरत होती है जिससे कि हम ये पता लगा पाए कि कौन सा सब्सटेंस है वो एसिड है और कौन सा सब्सटेंस है वो बेस है ओके okay, तो आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि कैसे हम किसी सब्सटेंस को किसी सॉल्यूशन को बता सकते हैं कि वो एसिड है कि बेसिक नेचर का ओके okay? तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो हमारा फर्स्ट है एसिड बेस इंडिकेटर्स तो ये एसिड बेस इंडिकेटर्स जनरली होते क्या है इंडिकेटर्स नाम से ही आपको जो है वो आइडिया हो रहा होगा कि इंडिकेटर्स मीन्स जो हमको इंडिकेट करे कि विथ सॉल्यूशन इज एसिडिक नेचर एंड विच इज बेसिक नेचर और वो हमें ये कैसे इंडिकेट करते हैं इंडिकेटर्स चेंज इन कलर या तो ये उस सोल्यूशन में जाके कलर चेंज कर लेंगे या इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा तो इनका डेफिनेशन देखते हैं तो द टर्म इंडिकेटर्स इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड इंडिकेयर विच मीन्स टू इंडिकेट तो ये इंडिकेटर वर्ड आया कहाँ से है ये भी एक लैटिन वर्ड है क्या लैटीन वर्ड इंडिकेयर टर तो का मतलब इंडिकेट करे किसी चीज के लिए ठीक दस एन इंडिकेटर इज डिफाइंड एज द सबस्टेंस दैट गिवस अबल साइन यूजली बाय अ कलर चेंज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस्ड इन अ Solution. तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं जो हमें इंडिकेट करते हैं यूजुअली बाय विजिबल साइन जो हमें दिखाई दे ऐसे वो हमें इंडिकेट करेंगे बाय यूजुअली अ कलर चेंज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस सोल्यूशन तो इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिन्हें हाँ आप एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में लेके जाते हैं तो उनका कलर चेंज हो जाता है एसिडिक सॉल्यूशन के लिए वो कुछ और कलर देंगे और बेसिक सॉल्यूशन में वो कुछ और कलर देंगे तो जिससे हमें पता चल जाएगा कि जो सब्सटेंस है वो एसिडिक नेचर का है और दूसरा सब्सटेंस जो है वो बेसिक नेचर का है और एक पर्टिकुलर एसिडिक के लिए एक अलग टाइप का कलर देते हैं वो फिक्सड रहता है एक इंडिकेटर के लिए और सेकेंड और बेसिक के लिए भी वो फिक्स रहता है तो हमारे पास इंडिकेटर शोज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक लाइक कलर्स एंड ऑर्डर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम तो इनका जो कलर होता है वो भी कैरेक्टरिस्टिक होता है और जो ऑर्डर होता है वो भी कैरेक्टरिस्टिक होता है तो आपको एसिड और बेस इंडिकेटर क्लियर हो गया कि ये जो एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या होते हैं तो एसिड बेस इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंस विच इंडिकेट्स द विथ सॉल्यूशन इज एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर तो जो हमें इंडिकेट करे बाय द चेंजिंग इन कलर ठीक कोई हमें क्या करेंगे ये विजुअल साइन देंगे जैसे चेंज इन कलर देंगे या ऑर्डर का चेंज हो सकता है जैसे जो हम महसूस कर सकते हैं फील कर सकते हैं तो इस तरह के ये चेंजेस से हमें क्या करते हैं चेंजेस को जब दिखा करके हमें बताते हैं हमें इंडिकेट करते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक दूसरा सोल्यूशन है वो बेसिक नेचर का है ठीक तो ये क्लियर हो गया आपको एसिड बेस इंडिकेटर्स ठीक है क्लियर आपको एसिड बेस इंडिकेटर्स देखेंगे नोट कर लीजिए नेक्स्ट है इनके टाइप्स तो ये जो एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं हमारे पास तीन टाइप्स के होते हैं फर्स्ट है हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर सेकेंड सिंथेसाइज्ड इंडिकेटर और थर्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स तो नेचुरल इंडिकेटर्स नाम से ही नेचुरल आ रहा है मीन्स ये हमें नेचुरली तरीके से मिलेंगे ये जो हमें लिविंग थिंग्स जो हमारे पास प्लांट्स हैं उनसे मिलने वाले हैं ठीक तो नैचुरल इंडी द नेचुरल सब्सटेंस दैट शोज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक लाइक कलर्स ओर्डर इन एसिडिक और एसिडिक मीडियम एसिडिक एंड बेसिक मीडियम आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स तो ये जो नेचुरल इंडिकेटर्स है वो जनरली कहाँ से मिलते हैं हमें प्लांट्स से ही ऑप्टेन होते हैं हमारे पास और ये के नेचुरल इंडिकेटर्स क्या करते हैं जब एसिड और बेसिक सोल्यूशन के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो ये अपना कलर चेंज कर लेते हैं और ऑर्डर चेंज कर लेते हैं तो यहाँ पर जो ये नेचुरल इंडिकेटर्स के जो हम एग्जाम्पल्स दे देखने वाले उनमें जनरली कलर चेंज होगा फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट है उससे मिलता है टर्मरिक हल्दी आप जानते हैं वो सब आपने डेली लाइफ में आपने देखा ही होगा रेड कैबेज ये चाइना रोज एटसेट्रा तो जब आप यहाँ देखिए ये होता है लिटमस पेपर इस टाइप का ठीक तो ये ब्लू लिटमस पेपर और ये रेड लिटमस पेपर ये हमने जब एसिड और बेस पढ़ा था तब भी हमने बताया था कि जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को क्या कर देता है रेड कर देता है तो यहाँ देखिए ये ब्लू लिटमस पेपर ये एसिडिक सॉल्यूशन में डिप किया तो ये कलर कितना हो, कैसा हो गया इस पेपर का यहाँ देखिए जो हाफ पेपर है इसका पेव कलर रेड कलर का हो गया तो ये लिटमस पेपर ने लिटमस इंडिकेटर ने हमें इंडिकेट किया कैसे कलर चेंज करके रेड कलर हो गया ये इसका कैरेक्टरिस्टिक कलर है कि जब भी लिटमस पेपर ब्लू लिटमस पेपर किसी एसिड के कांटेक्ट में आता है तो वो रेड कलर का हो जाता है ओके वेन ब्लू लिटमस पेपर इन कॉन्टेक्ट विथ इन कॉन्टेक्ट विथ एसिड turns टू रेड क्लियर तो ये हमने दो टाइप्स के लिटमस पेपर ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर इनका सॉल्यूशंस भी आता है ब्लू और रेड लिटमस सॉल्यूशंस भी आते हैं हमारे पास तो जब इनका फर्स्ट ब्लू लिटमस पेपर का रिएक्शन हुआ किससे या जैसे हमने इन टच कराया एसिड से तो ये जो लिटमस पेपर था वो क्या हो गया रेड कलर का हो गया तो रेड इसका जो है कैरेक्टरिस्टिक कलर है ठीक एसिड के लिए तो एसिड एसिड ने क्या किया ब्लू लिटमस पेपर को टर्न कर दिया किसमें रेड में तो इसे आप कैसे याद रख सकते हैं कि एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर देता है ए बी आर एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को किस में टर्न कर देता है रेड में ए बी आर तो वैसे ही जो ये बेसिक सॉल्यूशन है इस बेसिक सॉल्यूशन में आपने क्या डाला रेड लिटमस पेपर डाला तो वो किस कलर का हो गया ब्लू कलर का हो गया तो इसे बी आर बी तो बेस टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू ये क्लियर हो गया आपको तो सेकेंड जो है हमारे पास कैबेज तो ये कैबेज जो होता है रेड कैबेज ठीक है तो ये रेड कैबेज जो होता है वो भी रेड कैबेज भी हमें इंडिकेट करता है कि कौन सा जो सब्सटेंस है वो एसिडिक नेचर का है और कौन सा सब्सटेंस जो है वो बेसिक नेचर का है रेड रेड कैबेज से भी हमें इंडिकेशन मिलता है ये हर जो रेड कैबेज का जो सॉल्यूशन होता है मतलब इसके पूरा इससे जो रस निकल जाता है उसका जो यूज किया जाता है एसिडिक सॉल्यूशन में और बेसिक सॉल्यूशन में तो वहां पर इनका कलर चेंज हो जाता है ये अभी हम देखेंगे नेक्स्ट है टर्मरिक जो टर्मरिक होता है आप सभी ने देखा होगा कि जब हम अगर खाना खाते रहते हैं और वो खाना जो है अगर आपने व्हाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ है शर्ट पहना हुआ और अगर उस पर वो खाना गिर जाता है और जिसमें अगर ज्यादा हल्दी हुई ठीक ज्यादा टर्मरिक का अमाउंट है और जब आप उसको धोने जाते हैं वॉश करने जाते हैं और उस पर आपने क्या लगा दिया उस पर आपने लगा दिया सोप लगा दिया तो आप तुरंत देखते होंगे कि वो जो कलर होता है वो स्टेन का जो उस हल्दी या जो उस खाने का जो स्टेन होता है वो तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाता है रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है क्यों कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि क्यों क्यों जो टर्मरिक है वो बेस के साथ कैसा कलर देता है रेड कलर शो करता है ठीक तो यहाँ हम देखते हैं ये देखिए यहाँ जब एसिड को हमने किससे ये आपका टर्मेरिक का सॉल्यूशन है जब आप एसिड को किससे रिएक्ट कराएंगे सॉरी एसिड और टर्मरिक दोनों को आप देखेंगे कि क्या चेंजेस आता है तो एसिड जो है वो नो चेंज इन कलर व्हेन एसिड इज एडेड टू द टर्मरिक सॉल्यूशन तो जब आप टर्मरिक के सॉल्यूशन में एसिड को ऐड करते हैं तो वहां पर कोई चेंजेस नहीं होता वो येलो कलर का ही रहता है बट व्हेन यू ऐड बेस इन द टर्मरिक सॉल्यूशन इट रेपिडली टर्न्स टू रेड कलर तो ये बहुत जल्दी जैसे ये आपने बेस को क्या करेंगे ये जो टर्मरिक का सॉल्यूशन है उसमें आप डालेंगे ऐड करेंगे तो ये तुरंत ही कैसा हो जाएगा रेड कलर का हो जाएगा तो इससे हमें क्या इंडिकेशन मिलता है कि जो टर्मरिक है जो हमारा इंडिकेटर है वो जो एसिड के केस में कैसा रहता है येलो कलर का ही रहता है मीन्स उसका कलर चेंज नहीं होता बट जब हम क्या करते हैं उसमें बेस ऐड करते हैं तो बेस ऐड करने पर क्या होता है उसका कलर चेंज हो जाता है और वो कैसे कलर का हो जाता है वो रेड कलर का हो जाता है ठीक है तो हम एक टेबल से इसे समराइज कर सकते हैं देखिए फर्स्ट लिटमस पेपर हमने देखा तो लिटमस पेपर जो न्यूट्रल मीडियम में जो इसका कलर होता है लिटमस पेपर लिटमस सोल्यूशन का वो जनरली पर्पल कलर का होता है जब एसिडिक मीडियम में ये कैसा हो जाता है रेड कलर का हो जाता है और बेसिक मीडियम में ये ब्लू कलर का हो जाता है ये हमने देखा था एसिडिक मीडियम में रेड कलर और बेसिक मीडियम में ये कैसा हो गया था ब्लू कलर का ठीक तो ये जो रेड कैबेज का मैंने बताया था ये जो रेड कैबेज होता है उसका जब हम सोल्यूशन निकालते हैं उसका जो उसको बहुत अच्छे से क्रश करके उससे जो रस निकलता है उसको जब हम स्टोर कर लेते हैं तो वो रेड कलर का होता है तो ये जो रेड कलर है वो एसिडिक मीडियम में रेड कलर का ही होता है बट जैसे ही वो बेसिक मीडियम के कॉन्टेक्ट में आता है मीन्स आपने बेस दिया और उसमें जो रेड कैबेज का जो सोल्यूशन था उसको आपने डाल दिया तो वहां पर जो कलर होगा वो चेंज हो जाएगा और कैसा कलर शो करेगा आपको ग्रीन कलर शो होगा ठीक नेक्स्ट है टर्मरिक तो हमने अभी देखा जो टर्मरिक होता है वो न्यूट्रल येलो कलर का होता है और जब हम उसको एसिड के साथ मिला एसिड मिलाते हैं उसमें तब भी वो येलो कलर का ही होता है बट जब आप उसमें क्या कर देते हैं बेस ऐड करते हैं तो वो रेड ब्राउन कलर का हो जाता है तो ये कलर जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं कि जो लिटमस है वो एसिड में कैसा कलर शो करता है रेड कलर बेस में ब्लू कलर जो रेड कैबेज है वो एसिडिक सोल्यूशन के साथ रेड ही रहता है बट बेसिक सोल्यूशन में कैसा कलर हो जाता है उसका ग्रीन कलर हो जाता है टर्मरिक का येलो कलर होता है एसिडिक में और जब वो बेसिक में जाता है तो वहां क्या हो जाता है रेड ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है वो ठीक नोट कर लीजिए आप तो नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडिकेटर इज सिंथेटिक इंडिकेटर तो ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स मीन जो हम सिंथेसाइज करते हैं जो हम खुद बनाते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से होते हैं जो नेचुरली हमें मिलते हैं जो नेचर हमें प्रोवाइड करता है ओके okay? वो नेचुरल इंडिकेटर्स है बट इनके अलावा भी कुछ इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि सिंथेसाइज्ड इंडिकेटर तो दीज टाइप ऑफ इंडिकेटर्स आर सिंथेसाइज्ड इन टरी और इंडस्ट्रियल लेवल पर ये सिंथेसाइज्ड होते हैं तो द इंडिकेटर्स विच आर सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी और इंडस्ट्री आर कॉल्ड सिंथेसाइज इंडिकेटर्स तो ऐसे इंडिकेटर्स जिनको हम फॉर्म करते जिन्हें हम बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं सिंथेसाइज इंडिकेटर इन्हें आप लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं और ये इंडस्ट्री में भी बनते हैं सब्सटेंस दैट शो डिफरेंट कलर मीडियम होते हैं जैसे कुछ अलग नेचुरल इंडिकेटर्स एसिडिक और बेसिक में अलग कलर शो कर रहे थे वैसे ही जो सिंथेसाइज इंडिकेटर्स होते हैं वे भी एसिडिक मीडियम में कुछ कलर कुछ अलग कलर शो करेंगे एंड बेसिक मीडियम में कुछ अलग कलर शो करेंगे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं सिंथेसाइज इंडिकेटर के तो सिंथिसाइज इंडिकेटर के जो एग्जाम्पल है वो क्या क्या है फर्स्ट जिसे आप बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं क्लास में अगर आप लेते हैं तो मैथ्स या बायो लेते हैं तो आप फिनॉफ आप बहुत यूज करेंगे अगर अभी भी आपके जो कोर्स है उसमें एक एक्टिविटी दी हुई थी अभी मैं बता दूंगी वो एक्टिविटी फिनॉफ एंड मिठाइल ऑरेंज एंड आर टू कॉमन तो जनरली हम बहुत ज्यादा फिनोस्थेलिन का ही यूज करने वाले हैं एसिडिक और बेसिक नेचर के लिए एंड इंडिकेटर्स आर वाइडली यूज टू शो और दूसरा क्या मिथाइल ऑरेंज तो ये जो दो ये दो जो इंडिकेटर्स हैं उनका हम बहुत ज्यादा ही यूज करेंगे अपने जो प्रैक्टिकल करेंगे तो आपके जो एक्टिविटी थी जहां पर हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखा था ठीक याद आया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब एसिड और बेस ये दोनों क्या बनाए थे सॉल्ट और वाटर बनाए थे तो इस पर एक, एक एक्टिविटी भी थी वो एक्टिविटी अभी हम डिस्कस करेंगे पहले हम इनका कलर देख लेते हैं कि फिनोफ्थेलिन जो है वो एसिडिक मीडियम में कैसा कलर शो करते हैं एंड बेसिक मीडियम में ये कैसा शो कलर शो करते हैं तो जो फिनोफ्थेलिन है वो एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है बट जो बेसिक मीडियम होता है तो बेसिक मीडियम में ये मींस जहां पे जो अल्कली लिखा यानी बेसिक मीडियम तो बेसिक मीडियम में ये कैसा पिंक कलर शो करते हैं ओके ये क्लियर हो गया फिनोफ्थेलिन एसिडिक मीडियम में कैसा कलर शो होगा कलरलेस रहेंगे बट बेसिक मीडियम में ये क्या हो जाएंगे अल्कलाइन कलर शो कर अल्फलाइन सॉरी अल्कलाइन मीडियम में या बेसिक मीडियम में ये कैसा कलर शो करेंगे पिंक कलर का नेक्स्ट है मिथाइल ऑरेंज तो ये हमने सेकेंड देखा था तो ये मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो देखिए मिथाइल ऑरेंज जो न्यूट्रल नेचुरली वो कैसा कलर में रहेगा येलो कलर में बट जब उसका एक ड्रॉप भी हम उसको एसिडिक मीडियम में डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा रेड कलर शो करता है कहा एसिडिक मीडियम में बट बेसिक मीडियम में वो कैसा कलर शो करेगा येलो कलर ही शो करेगा ठीक है तो हम मैं एक एक्टिविटी बताने वाली थी आपको हाँ तो हमने देखा था कि जब ये आपको अभी ये ध्यान ये क्लियर हो गया ना कि जब एसिड मीडियम में ये कैसा शो करता है कलर कलरलेस हो जाता है और बेसिक में पिंक कलर तो हमने एक एक्टिविटी दी हुई थी आपके बुक में कि जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पर ही कि जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड में फिनोफ्थेलिन डालते हैं तो वहां सोडियम हाइड्रोक्साइड में आपने जैसे ही फिनोफ्थेलिन डाला था तो वो पिंक कलर का हो गया था क्यों पिंक कलर का हो गया था क्योंकि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड था वो कैसा था बेस था और बेस में जो फिनोफ्थेलिन है वो कैसा कलर शो करता है पिंक कलर शो करता है और फिर जैसे जैसे आप उसमें एसिड डालते जा रहे थे तो वो कलर क्या होते जा रहा था कलरलेस होते जा रहा था क्यों कलरलेस होते जा रहा था क्योंकि वहां पर जो सॉल्यूशन थे सोडियम हाइड्रोक्साइड और एच वो न्यूट्रलाइज होते जा रहे थे और वो स्लाइटली स्लाइटली एसिडिक होते जा रहा था ठीक है अब एसिडिक होते जा रहा था तो इसलिए वो क्या होते जा रहा था वहां पर कलर लेस होते चले जा रहा था ठीक और एक पॉइंट ऐसा आया था कि जब वो सॉल्यूशन पूरा ही कंप्लीटली कलरलेस हो गया था क्योंकि वहां पर जितने अमाउंट में एसिड प्रेजेंट था उतने ही अमाउंट में बेस प्रेजेंट था और दोनों ही क्या कर दिए थे न्यूट्रलाइज और फिर वो कलर लेस हो गया था बट जब ये कलर लेस हो गया सॉल्यूशन उसके बाद अगर आप थोड़ा सा भी वहां पर बेस डालते तो फिर से वो सॉल्यूशन कैसा शो हो जाता कलर वहां पर फिर से वो पिंक कलर शो करने लगता क्यों क्योंकि पिंक कलर कब शो होता है सॉल्यूशन में जब सॉल्यूशन बेसिक नेचर का होता है तो जब न्यूट्रलाइज हो गया सॉल्यूशन और उसके बाद आपने वहां पर फिर से एक ड्रॉप या दो तीन ड्रॉप आपने बेस डाल दिया तो सॉल्यूशन में बेस का अमाउंट ज्यादा हो गया और वो फिर से क्या इंडिकेट कर रहे हमारे पास इंडिकेटर है तो इंडिकेटर ने इंडिकेट किया कि

नेक्स्ट हमने देखा था क्या मिथाइल ऑरेंज तो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर भी आपको क्लियर हो गया था हुँ. ये भी क्लियर था कि मिथाइल ऑरेंज जो एसिडिक मीडियम में रेड कलर और बेसिक मीडियम में कौन सा कलर देते हैं बेसिक मीडियम में ये देते हैं येलो कलर नेक्स्ट देखते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स तो यहां पर तो भी जो हमने दो इंडिकेटर्स देखे वहां पर क्या हो रहा था कलर चेंज हो रहे थे बट ये जो तीसरा इंडिकेटर है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स ये एक डिफरेंट टाइप का इंडिकेटर्स है यहाँ पर कलर चेंज नहीं होने वाला यहाँ पर क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर मिलेगी आपको जैसे ही आप उस सोल्यूशन को या उस सब्सटेंस को जो यहाँ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की तरह बिहेव करेगा ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं जिनका ऑर्डर जो इनका स्मेल चेंज हो जाता है व्हेन दे कम्स इन कांटेक्ट विद एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन तो दो सबस्टेंस बेसिक मीडियम आर कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स तो ऐसे सब्सटेंस जिनका ऑर्डर चेंज हो जाए कब जब वो एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो उनका ऑर्डर ऑर्डर चेंज हो जाए तो उस सॉल्यूशन को आप क्या बोलते हैं उस सब्सटेंस को आप क्या बोलते हैं उस सब्सटेंस को आप बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स बोलते हैं तो हमारे पास ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स है वनीला एक्सट्रैक्ट है ऑलनियन है वो क्या होते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स इसके अलावा क्लोव ऑयल जो होता है वो भी इंडिकेटर्स ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स होता है तो दी द स्मेल्स ऑफ टू इंडिकेटर्स कैन बी डिटेक्टेड इन इन प्रेजेंस प्रेजेंस ऑफ ऑफ एसिड ओनली बट नॉट द बेस तो ये जो uh, जो ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स है हमने वनीला एक्सट्रैक्ट और जो ऑनियन है ये जो ऑनियन खुद का एक कैरेक्टरिस्टिक uh, स्मेल होता है और जैसे ही ये एसिड के सोल्यूशन में आता है तो ये कुछ अलग ही हमें कैरेक्टरिस्टिक स्मेल देते हैं बट अगर जब इन्हें हम बेस के कॉन्टेक्ट में लाते हैं तो ये कोई कैरेक्टरिस्टिक बेसिस में नहीं देते तो इससे हम एसिड का इंडिकेशन कर सकते हैं यहाँ देखिए तो ये जैसे ऑनियन जूस तो ऑनियन जूस का कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है न्यूट्रल मीडियम में जब एसिडिक मीडियम में लाते हैं तो वो कुछ अलग टाइप का ही कैरेक्टरिस्टिक स्मेल देते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि जो सॉल्यूशन है वो कैसा है एसिडिक नेचर का है बट जब आप इसको बेसिक नेचर में ले जाते हैं बेसिक मीडियम में ले जाते हैं तो उसके लिए भी स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड तो यहाँ पर जो स्मेल है वो डिटेक्ट नहीं हुआ है तो ये जो वेनिला एसेंस है तो सिमिलरली वेनिला एसेंस भी क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है न्यूट्रल पोजिशन में और जब एसिडिक मीडियम में लाते हैं तो वहां पर भी ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल देते हैं सिमिलरली जो क्लोव ऑयल है क्लोव ऑयल के लिए भी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल हमें शो होती है क्लियर तो ये क्लियर हो गया आपको तो जो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं वो अभी तक तो हमें से एसिडिक मीडियम के ही एसिडिक मीडियम में ही अपना जो ऑर्डर चेंज कर लेते हैं उनका स्मेल चेंज हो जाता है बट अभी तक इनके बेसिक मीडियम के लिए कोई कैरेक्टरिस्टिक जो ऑर्डर है वो डिटेक्ट नहीं हुआ है तो आई होप आपको जो इंडिकेटर्स का टॉपिक था वो पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जिसमें हम कुछ जिसमें हम पी एच स्केल देखेंगे पीएच स्केल यूनिवर्सल इंडिकेटर्स और उसके साथ हम देखेंगे कि इन पी एच का जो हमारे डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है और अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप हमारा जो कमेंट सेक्शन होता है वहां पर आप पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में